हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हर दिसंबर के महीने में हमें ऐसा लगता है कि ये साल ऐसे ही गुजर गया, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये साल ऐसे ही गुजर गया कि पता ही नहीं चला। इन दिस वीडियो मैं अपने 2021 के 10 लेसन्स जो मैंने सीखे आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले तो ये सेटअप बताओ कि कैसा लग रहा है। ये मैंने अपने ये दिल्ली के वो व्लॉग में बताया होगा कि कैसे शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो में बताओ कि कमेंट्स में बताओ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि जस्ट अभी वीडियो शूट करने से पहले कि ये अंकुर वारिकू जैसा थोड़ा थोड़ा सेटअप लग रहा है। तो जो भी अंकुर वारिकू के यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है तो देखा होगा कि उनके वो बैक में वो पुराने वीडियोस में शेल्फ रहता था, या फिर उनके इंस्टा लाइव्स पर। या सो लेट्स गेट टू द वीडियो की द 10 लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन 2021। सो नोट्स रिफर करते चलो। या इट्स द हियर आर द नोट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन हेल्थ, एंड द सब पॉइंट ऑफ दिस इज प्ले अ स्पोर्ट जस्ट फॉर फन। बता दो। सो या लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तब हमने 2020 जब में जब लॉकडाउन हुआ था तो यार हम सब हाइप थे कि घर में रिलैक्स करेंगे बैठेंगे, पर या एक टाइम के बाद हम इतने रिलैक्स कर गए कि फोकस ही नहीं किया। फिर हम लॉकडाउन ख़त्म हुआ लास्ट ईयर, फिर हम एक्सरसाइज पर आए, और मैंने ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट की लास्ट ईयर कि घर वालों ने बताया कि थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी बताते थे वो, मतलब इतना एक्टिव था। फिर इस साल जब सेकेंड वेव आया सब हम घर में बैठ गए, और मैं इतना इनएक्टिव हो गया कि तब घर वाले बोल रहे थे कि जा बाहर एक्सरसाइज के लिए जा, इधर कुछ तो कर, क्योंकि किसी को अगर बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और आई एम वेरी गुड एट इट। तारीफ नहीं कर रहा पर बता रहा, आई एम गुड एट इट। एंड मैं एवरी इवनिंग या एवरी मॉर्निंग खेलता था बैडमिंटन, अबाउट 1 to 1.5 hours से खेलता था। बट हाँ, सारे कोर्ट्स बंद हो गए, सारे रोड्स बंद हो गए, सो आई नेवर वेंट फॉर रनिंग एंड डिडंट डू मच एक्सरसाइज नीदर एट होम। तो फिर ऐसा टाइम था कि मैंने हफ्तों तक कुछ एक्सरसाइज नहीं की थी। फिर देन एक दिन ऐसी जब मैं दिल्ली में था, जब दिल्ली में नया आया था कि 3-4 हफ्ते हो गए थे, तो एक दिन ऐसी 3 बजे दोपहर को ऐसे उत्साह आ गया कि रनिंग को जाएंगे। तो 4 बजे मैं रनिंग को गया दोपहर को, ऐसी उत्साह में 3 महीने बाद एक्सरसाइज को रीस्टार्ट किया। तो इतना एनर्जाइज फील हुआ, इतना अच्छा लगा कि उस दिन के बाद मैंने कभी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं। सो एवरी मॉर्निंग मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, या इधर रनिंग हो गया या फिर बैडमिंटन खेलता हूँ सुबह, सो इधर ऑफ देम, या फिर कभी कभार दोनों। तो या जस्ट फोकस ऑन हेल्थ एंड प्ले एनी स्पोर्ट यू वॉन्ट। सो या क्योंकि पहले तो आप उसमें बहुत खुश रहते हो, वो आप खुशी देते हैं, समझ जाओ, समझ गए होंगे। तो या फिर मतलब वो फिट भी रखता है, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, इट कीप्स मी फिट, इट मेक्स मी हैप्पी। सो या प्ले एनी स्पोर्ट एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। एंड या द सेकेंड पॉइंट इज स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो ये थोड़ा जेंडरिक सा पॉइंट हो गया, पर जो हम पिछले साल से बात कर रहे हैं कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, वी शुड स्पेंड टाइम विद दैम। सो पर इस साल ऐसे कुछ लगा कि मैं थोड़ा एक ब्रेक पर गया था, ब्रेक एज इन मेरे नेटिव प्लेस में कुछ महीनों पहले। तो उधर मैंने अपने YouTube चैनल स्टार्ट करने के बाद गया था उधर। तो फिर उधर जाकर, विच वॉज नॉट इन पुणे, सो आई कैन नॉट टेल, बट इट वॉज नॉट इन पुणे, आई वॉज स्टिल इन महाराष्ट्र। तो उधर जाकर मैं सिर्फ 70% ऑफ टाइम मैं अपने लैपटॉप के साथ ही था, या फिर बुक्स पढ़ता था, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम ही करता था। एंड ऐसा टाइम था कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया मेरे फैमिली के साथ,
सो या आई डिड स्पेंड टाइम विद देम। हाँ मैंने टाइम बिताया उनके साथ, पर इतना नहीं जितना मुझे उनके साथ बिताना चाहिए था। सो या आई वॉज नॉट दैट सॉरी क्या क्या बोलूँ, यानी इतना नहीं टाइम बिताया उनके साथ तो या जितना मुझे उनके साथ बिताना चाहिए था। या डू स्पेंड टाइम विथ फैमिली, इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स देम फैमिली, क्योंकि जितना भी हम काम कर लो फैमिली से बढ़कर कोई नहीं। सो या डू स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड या सो द थर्ड पॉइंट इज जो इस साल सीखी जो है वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैप करना। तो हम कभी कभार हमारे अपॉर्चुनिटीज सामने ही होती है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसमें से एक थी कि जब हम दिल्ली आने वाले थे, जब ये बात पता चली तो मैंने कुछ लाइक मैं ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मैंने लाइक कुछ मेरे काइंड ऑफ माइंडसेट के दोस्त बनाए कि उनके साथ कंटेंट की बातें करेंगे, आइडियाज़ की बातें करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे जो नॉर्मल बातों से अलग है। तो मैंने ट्विटर पर थोड़े दोस्त बनाए, तो उनमें से कुछ दोस्त पुणे में रहते थे। सो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट मीट देम वेर एवर दे आर, तो बिफोर कमिंग टू दिल्ली, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं पुणे वापस कब जाऊंगा, शायद से 2 साल 3 साल बाद, पता नहीं किसको क्या पता। सो या उसके बाद आई मेट देम, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड मेहनत की थोड़ी सी, मैंने दिल्ली के व्लॉग में ही बताया था, देख लेना। सो मैं इधर ऊपर लिंक कर दूंगा तो देखना। सो या इट्स नॉट अबाउट जस्ट मीटिंग फ्रेंड्स, अबाउट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी, इट्स जस्ट दैट कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हाँ करो और करो उसको चीज़। या द फोर्थ पॉइंट इज ब्रेक्स आर नेसेसरी और फोकसिंग ऑन अ मेंटल हेल्थ शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतना निगलेक्ट कर देते हैं कभी कभार कि हम इतना अपने मेंटल हेल्थ के बारे में इतना सोचते ही नहीं है कि हमें जितना सोचना चाहिए। तो हाँ मैंने अपने न्यूज़ लेटर में एक अभियान न्यू का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक 17-year-old गर्ल ने एक अपनी डिप्रेशन की स्टोरी सुनाई थी। So if you're not signed up to my newsletter, it's free of cost, it's in the description, you can see it. So yeah, we should give priority to our mental health and just take a break sometime from whatever we are doing and focus on health, mental health and give time to ourselves. Breaks, like मैंने भी अपने breaks लिए थे शायद से, like ऐसे 2 Sundays थे अभी तक जिसमें मैंने video upload नहीं किया कि मुझे लगा कि ब्रेक लेना चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि आई शुड जस्ट फोकस ऑन माई हेल्थ राइट नाउ एंड थिंक अबाउट द व्हाट आई एम प्लानिंग इन द नेक्स्ट वीक्स। सो या एंड फिफ्थ पॉइंट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई सेड अर्लियर, फोर्थ पॉइंट या और फिफ्थ पॉइंट है कि जस्ट स्टार्ट। तो ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल और न्यूज़ लेटर जब स्टार्ट किया था इस साल, तब समझ आया कि जस्ट स्टार्टिंग इज द मेन पॉइंट ऑफ द होल प्रोजेक्ट और द होल आइडिया, कि हम अपने प्लानिंग में ही इतना नहीं, अपने स्टार्ट में ही हम इतना टाइम बिता देते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे, नहीं हम प्लान अरे क्या बोल रहा हूँ मैं अपने प्लानिंग में ही हम इतना टाइम बिता देते हैं कि हम सारा एन्जॉयमेंट हम प्लानिंग में ही कर देते हैं। जैसे अली अब्दाल ने लास्ट ईयर के अपने लाइफ लेसन्स में बताया था कि इम्प्रोवाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एक चीज़ है कि जिसमें हम प्लानिंग में इतना घुस जाते हैं कुछ भी किसी की भी प्लानिंग के लिए कि हम सारी मेहनत सारी खुशियां हम प्लानिंग करते हुए बिता देते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं करते, हम हमारा वो जो भी स्टार्ट करना तो हमें काम लगता है। सो या सो एंड सेकेंड थिंग ऑन दिस पॉइंट ओनली इज कि स्टार्ट ऑलवेज डजंट नीड प्लानिंग। तो मैंने एक फिगरिंग आउट एक पॉडकास्ट है राज जमानी का, तो
तो वो संजोत की एक फूड कंटेंट क्रिएटर है, तो उनको इंटरव्यू कर रहे थे और संजोत कीर ने बोला कि स्टार्ट डजन नीड प्लानिंग, और नहीं उसी पॉडकास्ट में पॉइंट डिसाइड हुआ था कि स्टार्ट डजन नीड प्लानिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू स्केल इट ऑन अ मास लेवल देन द प्लानिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। सो या वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई डिड विथ माई यूट्यूब चैनल वॉज मैंने ज़्यादा प्लान नहीं किया और लाइक स्टार्ट कर दिया, और फिर अभी लग रहा है कि प्लानिंग करना चाहिए था, बट या द स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड यू शुड स्टार्ट। तो वो जो आपका यूट्यूब वीडियो पेंडिंग है जो आप बहुत सालों से बहुत महीनों से अपलोड करना चाहते हो, या फिर वो एक न्यूज़ लेटर हो गया या फिर ब्लॉग हो गया जो आप स्टार्ट करना चाहते हो पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि स्टार्ट नहीं होगा, आज स्टार्ट करो और फिर या जस्ट स्टार्ट एंड व्हाट एवर यू आर स्टार्टिंग। और जो आपने स्टार्ट किया रिसेंटली आप कमेंट्स में बताओ कि मैं भी देख सकूँ और सब लोग देख सके और आपको फीडबैक दे सके। तो या राइट इन द कमेंट्स। या एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज द आइडिया ऑफ हैव टू वर्सेस गेट टू। तो ये मेंटल माइंडसेट शिफ्ट है जो शायद से मेरे मेरे गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और ये अपने वर्क पर ज्यादा काम करता है। सो यार ये मैंने अली अब्दाल की वही 2020 के लाइफ लेसन्स के वीडियो से सीखा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हैव टू से ना देखकर गेट टू पर देख रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोस में मैं कभी कभार ऐसे मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि ये वीडियो करना पड़ेगा या फिर ये वीडियो कल शूट करना है, और कल कभी कभार मैं सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे शूट करता था। तो यार मुझे मैं ऐसे सोचता था कि आई हैव टू डू द वीडियो टुमारो और आई वोंट बी एबल टू पब्लिश द वीडियो ऑन संडे। सो इस माइंडसेट को ना देखकर अगर मैं ऐसे सोचूं कि अरे आई गेट, तुम ज्यादा फास्ट बोल रहे हो यार, तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि आई गेट टू स्पेंड टाइम विथ माई ऑडियंस, आई गेट टू इंस्पायर देम, मेक वीडियोज फॉर देम, एडुकेट देम एंड टेल स्टोरीज आउट इन द वर्ल्ड, तो ये चीज़ें मुझे इतना उस सीखने के बाद ऐसा स्ट्राइक हुआ कि मतलब बहुत अफेक्ट करा मेरे माइंडसेट को। और उस चीज़ के बाद मैंने हमेशा ऐसे सोच कभी भी सोचता हूँ कि काम क्यों करना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो आई विल गेट टू इंस्पायर पीपल वो देन आई विल मेक कॉन्टेंट। सो या आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस एंड या इट विल रियली चेंज योर माइंड। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। रियली हार्ड पॉइंट बट या शायद से ये कौन से तो फोर्थ पॉइंट जो ब्रेक इज नेसेसरी से थोड़ा सिमिलर है, पर या सेवेंथ पॉइंट इज स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ कि हम ये इंटरनेट के लाइफ में इतना चले गए हैं कि हम सिर्फ इंटरनेट ही देख रहे हैं और खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। हाँ हम अपने थॉट्स पर इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। तो आई थिंक थोड़ा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप से थोड़ा दूर जाकर जर्नल या फिर वो लेकर लाइक जस्ट हमें अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि या बिकॉज उसके वजह से हम इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमें मेंटल स्ट्रेस इश्यूज और वैसे। तो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो ही बनाया था कि व्हाई आई एम क्विटिंग सोशल मीडिया, जो आपको बहुत चौंक किया था, पर या वो उस वीडियो का पर्पस था कि हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन आर थॉट्स और हाउ टू बी विथ अस, वाई टू बी विथ अस। तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा वो वीडियो, देखिए आप। एंड द एट्थ पॉइंट इज बी इन द प्रेजेंट। सो हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, और हम अपने पास्ट के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, हम उसके बारे में कभी कभार ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। पर या वी टेंड टू स्पेंड टाइम ऑन बोथ ऑफ दीज बट नेवर स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंट। हम अपने प्रेजेंट में ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, और हम अपना सबसे बड़ा गिफ्ट
भूल जाते हैं कि वो हमारे पास प्रेजेंट है और हमें इस चीज पर एक्ट करना चाहिए कि वो हम फ्यूचर को कैसे चेंज कर सके। फ्यूचर और पास्ट का ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और ऐसे एक कोट है जो दो या तीन कोट से जो मैंने सर्च करे जो इधर बहुत एप्लीकेबल है। फर्स्ट कोट इज सुना होगा आपने, सो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे वी हैव इज अ गिफ्ट दैट इज प्रेजेंट। या एंड एक और कोट था कि हाँ, हम वो इतना सोचते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि हम पास्ट में जाकर प्रेजेंट को कैसे बदल सकते थे, पर हमें ये कभी नहीं सोचते कि हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को कैसे चेंज करेंगे। सी या प्रेजेंट इज व्हाट डिटरमाइंस योर लाइफ, सो व्हाट एवर यू टेक एक्शन इन द प्रेजेंट डिटरमाइंस योर लाइफ, सो स्टार्ट थिंकिंग इन द प्रेजेंट एंड डू द मोमेंट, डू द वर्क दैट यू आर डूइंग इन द मोमेंट। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज जो बहुत अफेक्ट करा मुझे और मेरे लाइफ को, कि आई थिंक इस चीज की वजह से आई थिंक मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे स्ट्रांग बनाया इनफैक्ट। तो नाइन्थ पॉइंट ये है कि डोंट बिलीव द प्रिडिक्शंस दैट डोंट एम्पावर यू। थोड़ा शॉकिंग चीज होगी पर यार एक लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि नाइन्थ और टेंथ मेरी ऐसी लाइफ, स्कूल के नाइन्थ और टेंथ ऐसी लाइफ थी कि आई थिंक अकेडमिक्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया नहीं, क्योंकि इन 2 सालों में मुझे इतने गंदे मार्क्स आए कि सोच नहीं सकते। तो नाइन्थ में शायद शायद से मैं फेल हो सकता था, मुझे अभी भी याद है कि इतने मुझे इतने कम मार्क्स आए थे कि कुछ बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि तू टेंथ में कभी आ नहीं पाएगा, तू फेल हो जाएगा, तू फेलियर है लाइफ का, एंड या तू कभी सक्सेस नहीं होगा। एंड देन इन टेंथ ऐसी तादाद पर था कि आई थिंक कि अगर बोर्ड्स होते, इनफैक्ट कैंसिल हो गए थे कोविड की वजह से, पर अगर बोर्ड्स होते तो शायद से मैं इतने कम मार्क्स आते या फिर फेल हो सकता था मैं। मतलब कोविड का फर्स्ट साल किसने किसी भी ने भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो या मैंने भी नहीं की, तो 2 साल इतने खराब गए थे कि मेरे मेंटल हेल्थ को इतना अफेक्ट किया था कि ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने अपने लाइफ में। पर जैसे बोर्ड कैंसिल हुए और मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा हुआ उस चीज़ से। एंड मैंने उन बच्चों को कभी जो मुझे गालियाँ देते थे उनको कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको बोलता था कि ठीक है नहीं हूँगा सबसे मैं, चलो ठीक है, फिर देन मैंने उनको ऐसे बोलता था। तो या आई नेवर केयर, आई नेवर थॉट अबाउट दोस किड्स कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे मेरे बारे में, जाने दिया। तो हाँ, तो ये अपने लाइफ में लो कि वट एवर द प्रिडिक्शन मे बी अबाउट यू, इफ दैट डजेंट एम्पावर यू, यू डोंट हैव टू बिलीव इट। तो अगर कोई बोल रहा है कि आप सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में या फिर आप इस चीज नहीं कर पाओगे, ट्राई करो उस चीज को, या जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट हैव दैट सेल्फ डाउट, किल दैट सेल्फ डाउट और तोड़ दो लाइफ को। और हाँ, लाइफ को भी सामने ऐसे खड़े होकर बताओ कि ये लाइफ कितने भी मुश्किलें दे दे, मेरे लाइफ में झेल कर मैं उसको आगे उसको हरा दूंगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज विच इज वेरी सिंपल बट वेरी बिग, इज जस्ट टू एंजॉय योर लाइफ। तो मैंने इस साल आई थिंक मेरा 10th भी होने वाला था और यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, न्यूज लेटर स्टार्ट किया, इतना स्ट्रेस था मैं लाइक बोर्ड्स के वजह से, और हाँ पर इतना कुछ पढ़ाई किया नहीं मैंने, इतना कुछ देखा नहीं पढ़ाई का मैंने 10th का, पर वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना कि बोर्ड है और है वो बहुत चीज़ें थी। पर इतनी कभी कभार ऐसे सोचता हूँ अभी कि मैंने अपनी लाइफ इतनी सीरियसली ले ली थी, और वो छोटे जॉयज, छोटे मोमेंट्स जो खुशी के पल थे वो मैंने छोड़ दिए, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उसको उस छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना चाहिए था कि खुशी के कि खुशी मनाओ,
टुडे व्हाट एवर हैपेंस इन माय लाइफ आई मे बी सैड फॉर सम रीजन बट फॉर द रेस्ट आई एम टोटली हैप्पी। तो अगर हम खुश रह सकते हैं तो दुखी क्यों रहना, उल्टा मत सोचना। पर हाँ, तो या दिस वाज द 10 पॉइंट्स की आई थिंक मैंने 2021 में सीखे। यार बहुत पॉइंट्स थे पर आई थिंक ये 10 पॉइंट्स ही बहुत है कि आपको एक 2021 में मोटिवेशन देंगे। सो या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वेट एंड वॉच टिल 2021 एंड्स, क्योंकि दिसंबर में बहुत अच्छे कंटेंट वीडियोज आएंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो कोई अगर सजेशंस है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स कंटेंट और अभी इस साल के लिए भी अगर है तो दे सकते हो, तो आई विल ट्राई टू मेक ऑल देम। पर हाँ, 20 जनवरी, फेब्रवरी, मार्च या फिर अगले साल के लिए अगर कुछ कंटेंट है तो आप मुझे बताओ, मैं बनाऊंगा उस पर। एंड या एंड फॉर इंस्टाग्राम टू व्हाटएवर यू फील लाइक, अगला वीडियो क्या होगा कमेंट्स में बताओ। ये और मैंने अपने ईयरफोन्स नहीं पहने। सो या ये हिंट बताओ कि अगला वीडियो क्या होगा। बाय द वे इट्स नॉट कि मैं अपना कोई इक्विपमेंट रिवील कर रहा हूँ, वीडियो इक्विपमेंट, बट इट्स सम वॉट रिलेटेड टू दैट। टेल द इन द कमेंट्स। थैंक यू गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। किसने मना किया है, फ्री का सब्सक्राइब, वीडियो देखो और न्यूज़लेटर का सब्सक्राइब करो। पीस।